साथियों के साथ, भाइयों के साथ सारी जगह जो है धुम्मा बिठा देगा और जगह जगह सारी जगह लठ भी गाड़ देगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों के अंदर बहुत जोश है। 30 साल से मैं आ रहा हूँ, तो जब आदमी घर आता है तो उसको ये नहीं पूछते कि इतने देरी से आया, क्या आया, मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। बातें करते हैं, मैं उस तरह की बातों करने में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं सबका सम्मान करता हूँ और प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सबका हक है, तो वो आए, अपनी जो बातें कहनी है वो कहें और लोग जो है वो निर्णय लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं सभी जगह लोगों के अंदर बहुत जोश है, बहुत गर्म जोशी के साथ लोग जो है स्वागत कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों के अंदर एक बहुत चाव है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों के अंदर बहुत जोश है और जहाँ जहाँ जा रहे हैं सभी जगह लोगों का बहुत आशीर्वाद और समर्थन हमें मिल रहा है। उनकी बात ठीक है, ये मेरा घर है, मेरा जो है घर है, 30 साल से मैं आ रहा हूँ, तो जब आदमी घर आता है तो उसको ये नहीं पूछते कि इतने देरी से आया, क्या आया, मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। और जो थोड़ा मैंने लोगों को वहाँ मौका दे दिया, मैं बीच में गया था कि थोड़ा बहुत और घूम लें, जो हमारे जो मेरे जो बड़े भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, तो वो भी थोड़ी भागदौड़ करें, अच्छा है। तो चुनाव जो है जितना कॉम्पिटिशन होता है उतना अच्छा होता है, तो इसलिए जो है, और वो जिस तरह की बातें करते हैं मैं उस तरह की बातों करने में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं सबका सम्मान करता हूँ और प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सबका हक है, तो वो आए, अपनी जो बातें कहनी है वो कहें और लोग जो है वो निर्णय लेंगे। लोग किसी की खाली बातें सुन के निर्णय नहीं लेते, लोगों का जो है हमारे से एक 30 साल पुराना रिश्ता है, लोगों की भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका आस्था है, विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व में उनका विश्वास है, इसलिए मुझे लगता है कि हम कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और कुरुक्षेत्र नहीं, हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जो है वो मोदी जी की झोली में डालेगी। नवीन जी कैप्टन अजय यादव ने कहा कि मुझे कांग्रेस ने घुटन दिया, कहीं नवीन जिंदल जी को घुटन तो नहीं हो रही थी तो वो भाजपा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो घुटन तो नहीं, कैप्टन अजय यादव जी ये कह रहे थे कि मुझे कांग्रेस में घुटन हो रही है, नवीन जिंदल जी को कांग्रेस में घुटन तो नहीं हो रही थी, वो भाजपा चुनाव लड़। चलो छोड़ो, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे जो है माननीय मोदी जी के जो प्रेरणादायक उनका जो नेतृत्व है उससे प्रेरित होकर के मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की और मुझे इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि मैंने ये किया, क्योंकि जो विकसित भारत का सपना माननीय मोदी जी ने दिखाया है मैं उसके लिए सिर्फ एक मूक दर्शक बन के नहीं रहना चाहता, मैं उसके अंदर जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं काम करना चाहता हूँ, अपना योगदान उसमें देना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए कोई नई नहीं है, मेरा जो है जब 1996 में जब मेरे पिताजी ओम प्रकाश जिंदल जी यहाँ चुनाव लड़े थे विकास पार्टी से, उसमें विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, तो मेरे सभी से यहाँ पर बहुत ही घरेलू संबंध है, मैं इनके परिवार का हिस्सा हूँ और यहाँ के लोग जो है मेरे परिवार के हिस्सा हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे बहुत प्यार और मुझे सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और हम सभी भाई बहन भारतीय जनता पार्टी के मिल करके एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। सर कांग्रेस चौटाला कह रहे हैं, सर कांग्रेस अभय चौटाला कह रहे हैं कि लुटेरे और कमेरे की लड़ाई है। चलो वो जनता बता देगी कि कौन क्या है, कौन लुटेरा है और कौन कमेरा है, वो जनता समय आने पर बता देगी। सर साथ ही अभय चौटाला कह रहे हैं कि नवीन जिंदल को शायद बीजेपी वालों ने वॉशिंग मशीन में धो के मैदान में उतारे, पहले जिन पर आरोप लगाते थे आज वो दूध के दूल्हे बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो कुछ भी कह सकते हैं, हमारे प्रजातंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को कहने का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये उनका जो है ये जवाब जो है जवाब जनता देगी, जब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसका जवाब सबको मिल जाएगा। सर प्रधानमंत्री जी के भाषण को कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री जी के भाषण को? देखिए प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं तो मुझे और पूरे देश को बहुत प्रेरणा मिलती है, और हमारे देश के अंदर ही नहीं, जब मैं विदेशों में भी जाता हूँ और विदेश में भी वहाँ के नेताओं से मैं मिलता हूँ, तो वो जो है बहुत गर्व से भारत का नाम लेते हैं, वो बहुत गर्व से माननीय मोदी जी के बारे में बताते हैं, तो हमें भी जो है उस समय बहुत गर्व होता है उनके बारे में, इसलिए जब भी माननीय मोदी जी बोलते हैं मैं समझता पूरा देश
उससे प्रेरित होता है। सर 2014 के बयान वाले आपके लिए प्रचार करने आएंगे सर कुरुक्षेत्र लोकसभा में, मोदी जी आपके लिए प्रचार करने उतरेंगे कुरुक्षेत्र? देखिए मोदी जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर आया हूँ, और जैसे भी मोदी जी का प्लान होगा वो हरियाणा तो जरूर आएंगे, और जहाँ पर भी आएंगे कुरुक्षेत्र आएंगे या कुरुक्षेत्र के आसपास आएंगे, और उनका जो है पूरा पूरा आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। नवीन जी रणदीप सुरजेवाला सुशील गुप्ता के लिए प्रचार कर रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर आलिया भट्ट को लेकर जो टिप्पणी की महिला को लेकर, आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं अब मुझे नहीं मालूम कि क्या उन्होंने कहा था क्या नहीं कहा था, और मुझे इस बात का ध्यान नहीं। जिंदल साहब, सी वोटर का सर्वे आया, एनडीए का 3 सीट दिखाया जा रहा है और हरियाणा में 9 सीटें दिखाई जा रही है एनडीए की। तो अब देखिए हम 10 कह रहे हैं, वो 9 कह रहे हैं कि सर्वे 9 कह रहा है और हम 10 कह रहे हैं, लेकिन जब जब ये चुनाव और आगे आएंगे, जब यहाँ पर मोदी जी की रैलियाँ होंगी, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, इसलिए 9 से 10 होने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा जोर आएगा। क्या दिखा रहा है? क्लीन स्वीप, ये भी क्लीन स्वीप ही है, ये भी यहाँ पर भी जो है जो जिस तरह का ट्रेंड दिल्ली में होता है उसी तरह का ट्रेंड हरियाणा, हरियाणा वाले जो है दिल्ली को अपनी राजधानी ही मानते हैं, क्योंकि तीन तरफ से दिल्ली को जो है हरियाणा ने उसको कवर कर रखा है, तो इसलिए हरियाणा और दिल्ली जो है काफी एक साथ चलते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार किसान साथी आज भी क्या बोल रहे हैं जी आ रहे हैं, अभी वो कह रहे थे जिंदल साहब आज विदेश से आए, पता नहीं फिर कब चले जाए, कुछ नहीं पता नवीन जिंदल चुनाव प्रचार करना ही नहीं चाहते। चलो अभी जो है अभी आप देखेंगे कि किस तरह से जो है नवीन जिंदल अपने सारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ भाइयों के साथ सारी जगह जो है धुम्मा बिठा देगा, और जगह जगह सारी जगह लठ भी गाड़ देगा।